शिवानी? सब ठीक है ना? मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, वो सब बातें झूठी हैं। उनकी और मेरी लड़ाई हुई थी बस, और मैंने गुस्से में आकर उन्हें सबक सिखाने के लिए ये नाटक किया, पर अब मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। ये सब कौन लाया होगा? मैं लाया हूं। पर किस बात के लिए जावेरी साहब, ऐसा क्या हो गया? हम केस हार गए कार्तिक। क्या? कैसे? अरे ऐसे कैसे, ना हियरिंग हुई ना कुछ, बस फैसला आ गया। ये फैसला मैंने लिया है दी। कांग्रेचुलेशंस। मैंने कहा था ना, बड़े बड़े वकील भी नहीं टिक पाएंगे मेरे सामने, तो छोटे छोटे लोग क्या चीज हैं। आपके दोनों बच्चे और मेरा इकलौता बेटा अब बाइज्जत बरी हो गए। ये फैसला मैंने लिया। मतलब? मतलब ये कि मैंने अपना केस वापस ले लिया और अपनी कंप्लेन भी। आपको शौक लगाना? पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर अब हो गया। उसने केस वापस ले लिया। हमने कहा था ना तुमसे, हम आखिरी पल तक लड़ेंगे त्रिशा, फिर क्यों किया तुमने ऐसा? सॉरी दी, मुझे पता है कि मेरे ये सब करने से आपको बहुत दुख पहुंचा है, पर अब मैं ये केस नहीं लड़ना चाहती। पर क्यों त्रिशा, क्यों तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? मैं एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ये करने से तुम्हारी दीदी पर क्या असर होगा। जीजू, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ दी की। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोलो। छोड़ो नायर, डर गई है वो शायद। नहीं जीजू, मैं टीना दी के साथ बड़ी हुई, मुझे डर नहीं लगता, ना केस से, ना लड़ाई से, और ना ही उस जवेरी से। फिर क्यों क्या तुमने ऐसा? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से आपकी आपकी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां आए जो कि मेरे वजह से आ रही है। पहले कायरव का वो वीडियो, फिर जीजू का एक्सीडेंट, और आगे पता नहीं क्या क्या हो जाता, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। बहुत गलत किया तुमने त्रिशा। अंजाम चाहे जो हो, हमें आखिरी तक लड़ना चाहिए था। क्या होता, साथ साथ हार जाते ना, कम से कम गिल्ट तो नहीं रहता कि हम लड़े नहीं। पर उससे भी बड़ा गिल्ट मुझे पूरी लाइफ होता दी, कि मैंने अपनी टीना दी के परिवार को दुख पहुंचाया। दुख और सच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है त्रिशा, जितना कि इंसाफ। आई नो, पर कभी कभी वो इंसाफ हमें बहुत महंगा पड़ता है, और जिस कीमत पे मुझे वो मिलता हुआ दिख रहा है ना, मैं नहीं देना चाहती। ये किससे सीखा तुमने? भूल गई तुम? हम आश्रम वाले हैं त्रिशा, और हम हार नहीं मानते, ना ही हिम्मत हारते हैं। लाइफ को घुटने टिकवा देते हैं, लेकिन खुद नहीं झुकते। पर अब आप आश्रम वाली नहीं रही दी, आपका परिवार है, कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आपकी इन सारी चीजों पे कोई फर्क पड़े। कैसी अजब स्थिति है भगवान, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है दोनों। सो लेट्स सेलिब्रेट, लीजिए मिठाई ली, प्लीज प्लीज लीजिए। यहाँ पे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम बेचारे नैना और कार्तिक भी पता नहीं क्या बीत रही होगी। थैंक गॉड फाइनली ये केस खत्म हुआ। अब एक बार फिर से हमारी पूरी फैमिली एक हो जाएगी। यस। ये लीजिए मनीष भाई साहब, आपको तो डबल सेलिब्रेशन करना चाहिए। देखिए, आपके फैमिली की रेपुटेशन भी बच गई, आपके बेटे बहू की टेंशन भी मिट गई, और आपके दोनों बच्चे आजाद हो गए। लीजिए लीजिए प्लीज। मैं उसी के लिए लड़ रही थी गाते, और उसने मेरे लिए लड़ना छोड़ दिया। मैं समझ सकता हूँ, बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे केसेस में तय करना कि सही क्या है और गलत क्या है। एक तरफ किसी की इज्जत का सवाल होता है और दूसरी तरफ किसी की जान का। ऐसे में किसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और किसे नहीं, ये कोई तय नहीं कर सकता।
पर ये सारे मुश्किल फैसले हमें ही क्यों लेने पड़ते हैं कार्तिक? हमें ही क्यों चुकानी पड़ती है सारी कीमत? जिन्होंने गलत किया है वो तो गलत होके भी जीत गए ना, अभी तो सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जानता हूँ, मैं जब भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ती थी या टीवी में देखती थी तो बहुत हैरान होती थी कि लड़कियां ऐसे फैसले क्यों लेती हैं, क्यों उनकी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आज जब खुद के साथ हुआ तो नहीं यार, इसमें इसमें लड़कियों की कोई गलती नहीं, गलती है किसी की तो पूरे समाज की, जिन पर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, फैमिली की इज्जत, फैमिली की बेइज्जती, वो सबके सामने वो बेचारे घुटने टेकते थे ना। त्रिशा मेरी वजह से हारी है कार्त, मैंने मजबूर किया उसे हार मानने पे। नहीं, हमारी वजह से, हम दोनों की वजह से हारी है, ये ठीक नहीं हुआ। अब हार जीत तो होती ही रहती है, पर इस बार का मजा कुछ और ही था सच में। अब इस जीत की खुशी में पार्टी कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं या मैं दूं? अरे नहीं नहीं, आप क्यों देंगे, हम देंगे पार्टी। लेकिन पार्टी डबल देनी पड़ेगी, एक बच्चों के रिहा होने की खुशी में और दूसरी होली। हाँ, और तीसरी हमारी फैमिली की रीयूनियन की। ओ यार, होली का त्योहार है, क्यों ना सब कुछ भूल भुला के कार्तिक नायरा और कैरो को भी बुला लिया जाए। हमें इसे ठीक करना होगा, नहीं तो खुद सरासर नहीं मिला पाएंगे। यार जीत गए, चलो। बोला ही था मैंने, मेरे डैड के सामने कोई नहीं टिक सकता। थैंक गॉड हम बच गए, मैं तो बहुत ही डर गया था, बहुत ही डर गया तू। तो रिच और पावरफुल लोग जो होते हैं ना, उन्हें ऐसी छोटी मोटी चीजों से डरने की जरूरत नहीं होती। डूड, यार एक मन की बात बोले यार, प्लीज बोल ना। मुझे ना मतलब त्रिशा के वो रिएक्शंस देखने, वो हारने के एक्सप्रेशन। भाई छोड़ ना, अब उसे क्या लेना देना, सिंपल ना। नहीं नहीं नहीं, ही इज राइट कुश। अरे भाई क्यों, बता। हां बच गए, इतना काफी नहीं है क्या? एंड यू नो व्हाट कुश, उसको ना एक लेसन देना, लाइफ टाइम का लेसन, कि उसने किससे पंगा लिया था। मैं कॉल करता हूं। अरे मैं अरे कॉल करता हूं ना यार, रुको ना। हेलो, या कैन आई टॉक टू त्रिशा? त्रिशा दीदी, आपके लिए फोन है। हेलो, हाउ आर यू त्रिशा? कौन? इतनी जल्दी भूल गए आप हमें? इतनी जल्दी कैसे असर खत्म हो सकता है यार हमारा, इट्स नॉट गुड। त्रिशा, सुना है तुमने केस वापस ले लिया? ले क्या लिया, लेना ही था। अरे सामने कौन था? मेरे डैड। उनके सामने बड़े से बड़ा वकील नहीं टिक पाया, ये क्या चीज है? Right. अच्छा त्रिशा, नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा हो ना दोबारा से, तो तुम भी मेरे डैड को ही हायर करना, सो दैट तुम्हें ऐसे केस वापस ना लेना पड़े। वो तो खैर वो हम लोग बाद में देखेंगे। यार सोचना यार, अब बेचारिया क्या होगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। त्रिशा, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तुम क्या करो ना, तुम जाके नायरा भाभी के पीछे छुप जाओ और वापस मत आना। हाँ। हो गया तुम लोगों का, फोन रखूं मैं? अरे ऐसे कैसे, नहीं 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 वेट, सॉरी तो बोल पहले। नहीं तो पता है ना तुझे, सॉरी। ऐसे नहीं, जैसे तू बोलती है ना, ये मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुम पे केस लिया, तुम जीत गए और मैं हार गई। बोला ऐसे त्रिशा, ऐसे बोला? हाँ मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम लोगों पे केस किया, तुम लोग जीत गए और मैं हार गई। Yes, thank you, Trisha. सुनो मम्मा पापा, दोनों बड़ी नानी माऊ, सब लोग यहाँ पे आओ। क्या हुआ कारा, क्यों बुला रहे हो सबको यहाँ? मुझे आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बतानी है। मैंने उस हाउस में बॉनफायर रेडी किया है, तो मैंने इस हाउस में भी सब रेडी कर दिया है। गोया में मम्मा ने बताया था
कि होली के वन डे पहले आग जलाते हैं और उसमें ही सारी बैड और सैड थिंग्स जला देते हैं। हम भी अपनी सैडनेस इसमें जला देंगे, है ना मम्मा? हाँ कर। बहुत ही अच्छी बात कही तुमने बेटा, हम सबको इसी की जरूरत थी। जो हुआ सो हुआ, हमें वो सब भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जिंदगी रुक थोड़ी ना चाहती है ऐसी बातों से। जो करना है वो तो करना ही है। कायरव ने इतनी मेहनत की है, होली का जलाना तो बनता है। थैंक यू मामू, हम जलाएं मम्मा। त्रिशा, ये बातें तुम पे भी लागू होती हैं। क्या सोचा है करते? क्या करना है? एक दो प्लान आया दिमाग में। इससे अच्छा होली का दहन कभी नहीं हो सकता। अब पता चला ये शक्तिमान झवेरी क्या चीज है। जगह और टाइम के हिसाब से जो बन पड़ेगा करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, बिना कोशिश किए हार नहीं मानेंगे। बहुत भरोसा था ना तुम्हें केस पे, और वो तुम्हारी त्रिशा लड़ाई आदि छोड़ के भाग गई। औरतों को अपनी औकात में रहना चाहिए। बहुत महान बनना है ना तो घर पे बनो, अच्छी अच्छी रसोई बनाओ, अपने पति और बेटे का ध्यान रखो, घर संवारो। ये सोसाइटी को सुधारने का कीड़ा क्यों पाला है तुम्हें? हाल तुम्हें अपने बेटे और पति को तकलीफ दे दी तुमने। मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो आदमियों से अपनी बराबरी करना चाहे। हमेशा के लिए ये बात याद रखना। दादी! राधा, ये ले तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू वंश भैया, चलो रूम में चलते हैं। होली का दहन की शुभकामनाएं आप सबको। पीछे ये मिठाई होलिका की है या आपके जीत की? जो मजा किसी को कोर्ट में सबके सामने हराने में है, वो ऐसे उसकी चुपचाप हार मान लेने में नहीं है। अब तुम्हें पता चल जाएगा शक्तिमान छवीरी से पाला पड़ा था तुम लोगों का। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे हम चाहकर भी मिटा नहीं सकते तुम्हारे जीवन से, लेकिन ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे तुम्हें जो तकलीफ हुई उसकी थोड़ी तो भरपाई हो। ये लो। दादी, आप त्रिशा की इज्जत का मोल लगा रही हैं। नहीं बेटा, उसकी समझदारी का इनाम दे रहे हैं। आप ऐसा कर रही हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है दादी। तो गलत क्या कह रहे हैं नायरा? उसके एक छोटे से कदम से कितनी जिंदगियां बर्बाद होने से बच गई। लव, कुश, अभिषेक की, उसकी खुद की, हम सब की, हमारा परिवार बिखरने से बच गया। उसके इस एहसान का बदला हम और किस तरह से चुकाएं? नहीं दादी, मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। आप प्लीज ये चेक वापस रख लीजिए। रख लो बेटा, काम आएगा। नहीं दादी, जब हिम्मत और सच्चाई काम नहीं आई तो ये क्या काम आएगा? आप प्लीज इसे वापस रख लीजिए। रख लेती तो हमें तसल्ली हो जाती कि तुमने हमारे पोतों को माफ कर दिया। माफ तो मैं उन्हें कभी नहीं कर सकती, पर
पर मैंने उन्हें सजा ना दिलाने का फैसला ले लिया। और उसका आपके इस चेक से कोई लेना देना नहीं है दादी? फिर भी रख लो बेटा, काम आ जाए। जब वो मना कर रही है दादी, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती? अच्छे आ रहे, अभी कुछ मत बोलो। क्या हुआ, आप लोग इतना चुप क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, बस हम सब सोच रहे थे कि कल होली कैसे मनाएंगे। हाँ, जैसे भी मनाएंगे साथ में मनाएंगे। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ हो गया और मैं फिर भी, पर मेरे पास इसकी वजह है। जैसे सबके पास अपनी अपनी वजह थी, किसी के साथ खड़े रहने की तो किसी के खिलाफ खड़े रहने की, मेरे पास अपनी वजह है ये उम्मीद रखने की कि मेरा परिवार फिर से एक साथ होगा। मैं एक माँ हूँ और मुझे पूरा अधिकार है अपने बच्चों को ये कहने का कि सब कुछ भूल जाऊं और फिर से एक साथ हो जाऊं। और वैसे भी होली तो मिलन का त्योहार है, तो प्लीज मान जाओ कार्तिक नायरा। नाराजगी अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। और गुस्से का मतलब ये तो नहीं कि प्यार खत्म हो गया। हम तो बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आप सब लोग आना प्लीज, मैं आपका वेट करूंगा। ब्रो, नायरा मासी, कायरव, हम पक्का आएंगे वंश भैया, प्रॉमिस। बाय वंश भैया, बाय कायरव। नमस्ते। राधे कृष्ण। हम जाएंगे ना मम्मा? फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ होली मनाएंगे। वाओ! ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।